हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेरा। आज हम क्लास डिस्कस करेंगे, ये है क्लास नंबर 5। इसके पहले 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। आज हम जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो है मैन्युफैक्चर जो हमारा सिल्क का प्रॉपर्टी क्या है और सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे सिल्क, सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये जितनी भी क्लासेस हैं ये आपको UGC नेट, JRF, TGT, PGT या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगी। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे भी आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, ये इंस्टाग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे भी आपको सारे जितनी भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। अगर चैनल पे आपको कोई वीडियो या कोई क्लास नहीं मिल रही है तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिल्क, सिल्क सबसे पहले है क्या, ये है प्रोटीन फाइबर है। मींस सिल्क जो है ये प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन का बेसिक क्या है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। तो जो हमने कॉटन पढ़ा था वो सेलुलोज से बना था, और सिल्क जो है ये प्रोटीन से बना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिल्क इज कंसीडर्ड एज क्वीन ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स। सिल्क को हम सभी टेक्सटाइल फाइबर्स का क्वीन कहते हैं, तो हम किंग कौन से फाइबर को कहते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सिल्क को हम सभी फाइबर्स का जो है हम क्वीन कहते हैं, तो किंग कौन सा फाइबर है, किंग हम कौन से फाइबर को कहते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सिल्क इज कंसिडर्ड एज क्वीन ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स एज इट हैज़ ब्यूटी एंड एलिगेंस एंड गुड प्रॉपर्टी ऑफ परफॉर्मेंस। इसको क्वीन कहते क्यों हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सिल्क का फाइबर है ये ब्यूटीफुल होता है, एलिगेंस होता है, और उसकी जो परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज होती हैं ये गुड होती हैं। ओवरऑल सिल्क अगर हम बात करें सिल्क की तो ये गुड मटेरियल होता है, इसलिए इसको क्वीन कहते हैं। सेरिकल्चर इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्शन ऑफ कल्टिवेटेड सिल्क। और जो सिल्क को जब कल्टीवेट करते हैं उसके जो कल्टीवेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म हैव अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली अबाउट 2 मंथ। और सिल्क वॉर्म सिल्क मिल्क किससे बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है। तो जो सिल्क वॉर्म है, इन सिल्क वॉर्म कौन सा है, इसकी जो लाइफ होती है वो अबाउट 2 मंथ होती है। तो जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म का नाम क्या है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आपके पास क्वेश्चन हो गए 2, एक तो जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा जो फाइबर है कौन से फाइबर को हम किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं आपके पास, इनके आंसर आपको करने हैं। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि जो सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ कितनी होती है, 2 मंथ की। तो लाइफ स्टेजेस क्या है सिल्क वॉर्म की, एग मैच्योर होके बनता है वॉर्म या लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनता है मोथ, मोथ की कंडीशन में इसको हम कुकून भी कहते हैं, जहां पे हमको सिल्क का फिलामेंट मिलता है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या है कि आउटलाइन ऑफ सिल्क मैन्युफैक्चर। सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से स्टेप होती हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये है सीरियल नंबर, ये है प्रोसेस के नाम, और ये है उनके पर्पज। सबसे पहले सॉफ्टनिंग ऑफ सिरसिन टू सॉफ्टन द गम एंड किल द मोथ। जो सबसे पहली प्रोसेस है वो होती है सॉफ्टनिंग द सिरसिन। सिरसिन क्या होता है, जो ये कोकून होता है, कोकून के ऊपर जो फिलामेंट वाइंड होते हैं ये एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो उसमें एक चिपचिपा या गम जैसा पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं सिरसिन। तो ये सिरसिन को सबसे पहले जब हम कोकून को लेते हैं तो उसको हम पहले इस पे जो सिरसिन लगा है हम इसको सॉफ्ट करते हैं। सॉफ्ट कैसे करते हैं, इसको हम गर्म पानी में डालते हैं जिससे ये सॉफ्ट होता है। जब इसको हम गर्म पानी में डालते हैं पूरा कोकून, तो इसके अंदर जो कीड़ा होता है वो मर जाता है। यहीं से हम स्टार्ट होती है इसकी प्रोसेसिंग कल्टीवेशन की, कि
सॉफ्टनिंग ऑफ सेरोसिन, सबसे पहले जो फिलामेंट के ऊपर ये गम लगा है, चिपचिपा पदार्थ लगा है, इसको हम सॉफ्ट करते हैं। जब इसको हम सॉफ्ट करते हैं उसके बाद प्रोसेस आती है रीलिंग। रीलिंग मतलब अनवाइंडिंग द फिलामेंट। जो ये हमारा कोकून था, कोकून के ऊपर ऐसे फिलामेंट लगा हुआ है, जब हमने इसको पहले इसके ऊपर ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपका हुआ है, जब ये चिपका हुआ है तब इसमें हम फाइबर का या जो हमारा फिलामेंट है उसका एक एंड हमको ढूंढने में नहीं मिलता है। जब हम इसको गर्म पानी में डालते हैं, इसके ऊपर लगा हुआ सेरोसिन जब है उसको हम सॉफ्ट करते हैं, जब सॉफ्ट करते हैं तब इसमें से हमको एक एंड मिलता है और इस एंड से हम पूरे फाइबर को अनवाइंड करते हैं या यहाँ से हम इस पूरे फाइबर को निकाल लेते हैं फिलामेंट को, तब इसको हम कहते हैं रीलिंग। और रीलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोकून से हम ये फिलामेंट निकाल रहे हैं तब हम इसको एक रील के ऊपर वाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही अगर फिलामेंट छोड़ देंगे तो वो उलझ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ जब हम कोकून से जितना हम फिलामेंट अनवाइंड कर रहे हैं इसको हम ले जाके रील के ऊपर फिर से लपेट दे रहे हैं, वाइंड कर दे रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं रीलिंग। उसके बाद ऑप्शन आता है थ्रोविंग। थ्रोविंग क्या, थ्रोविंग में हम क्या करते हैं कि ट्विस्टिंग फिलामेंट टुगेदर, इसमें हम फिलामेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट इम्पार्ट करते हैं या उसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं एक दूसरे से जिससे वो चिपक जाए। उसके बाद ये थ्रोविंग अगर हम बात करें, अगर ट्विस्ट नहीं करना है तो ये एक ऑप्शनल स्टेज है, ये थ्रोइंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये ऑप्शनल स्टेज भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम फिलामेंट को एक साथ ट्विस्ट करते हैं। उसके बाद स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है, हमने थ्रोविंग में फिलामेंट को ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद हम फिलामेंट को यार्न में स्पिन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। यहाँ से हमने फिलामेंट से हमने जब यार्न बनाया, यार्न बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्पिनिंग। जब यार्न बन गया उसके बाद हमने क्या दिया है डिगमिंग, रिमूविंग ऑल द गम। यहाँ पे रिमूविंग ऑल द गम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेज में हम गम को सॉफ्ट कर रहे थे, तब यहाँ पे जब हमने गम को सॉफ्ट किया तब यहाँ पे 1 से 2% गम ही यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, इसका पूरा गम हम नहीं निकालते हैं, 1 से 2% गम यहाँ पे निकालते हैं। उसके बाद हम जब डीगमिंग करते हैं, डीगमिंग की प्रोसेस में हम 70 से 80% गम यहाँ पे हम रिमूव करते हैं। जब पूरा हमारा यार्न बन के तैयार हो जाता है तब हम इसके ऊपर से ये डिगमिंग करके हम इसके जो गम लगा हुआ है उसको हटाते हैं। वो हम क्यों करते हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेप में आके क्यों गम को हटाते हैं, क्योंकि सिल्क का जो ये फिलामेंट होता है ये बहुत डेलिकेट होता है, इसके ऊपर अगर गम हम हटा देंगे या जो भी गम लगा हुआ है अगर हम पूरा फर्स्ट प्रोसेस में ही हटा देंगे तो ये जो फिलामेंट है वो बहुत वीक हो जाएगा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो इसके कल्टीवेशन की जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत डिलिकेट प्रोसेस है, इसके लिए जो भी वर्कर चाहिए होते हैं वो स्किल्ड वर्कर होने चाहिए। और डीगमिंग मतलब गम को हटाना। तो यहाँ पे जब पूरा यार्न बन के तैयार हो जाता है तब हम जाके उसको 70 से 80% गम हटाते हैं। अभी भी हमारा 20 to 30% गम लगा हुआ है, ये कब हटता है, ये जब इससे फाइनल फैब्रिक या जो हमारा गारमेंट बनना है, ये फाइनल जो हमारा फैब्रिक बनना है, जब ये बन जाता है तब हम इस वाले जो 20 to 30% गम बचा है इसको हम तब रिमूव करते हैं, जिससे हमारा जो फिलामेंट है उसको कैरी करना थोड़ा आसान हो जाए। उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या आती है, फिनिशिंग, रिक्वायर्स वेरी फ्यू फिनिशेस। तो जो सिल्क है सिल्क में बहुत कम फिनिशेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिल्क जो है वो पहले से ही इतना सॉफ्ट है, डेलिकेट है, शाइनी है कि उस पर बहुत ज़्यादा कोई भी फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि सिल्क जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, डेलिकेट होता है, इसीलिए इसकी जो डीगमिंग प्रोसेस है ये बिल्कुल लास्ट में की जाती है, तब इसका सारा गम रिमूव किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सिल्क जो है किससे, प्रोटीन से बना है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। तो हम कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि सिल्क जो है वो कौन से एमिनो एसिड से बना होता है, तो कुछ कॉमन एमिनो एसिड हैं जो सिल्क के, वो हैं एलानाइन, ग्लाइसिन एंड सेरोसिन। ये मोस्टली नेट के एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है कि जो सिल्क है वो कौन से एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो वो है एलानाइन, ग्लाइसिन और सिरीन। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कहीं नहीं पूछा जाता है, मोस्टली ये नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो इनका सीक्वेंस करने को आपको आता है या फिर इनकी मैचिंग करने को आती है, इसीलिए इनको बिल्कुल शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सीक्वेंस क्या है, साथ में इनकी वन लाइन में हमने इनका काम देखा है कि इनका काम क्या है, इनका पर्पज क्या है। तो ये मेनली आपको नेट के एग्जाम में सिक्वेंसिंग के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क क्या है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा ये सिल्क वॉर्म है उसकी लाइफ कितना स्टेज कितना होता है, ये 2 मंथ की होती है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, जो ये कोकून है या जो हम सिल्क वॉर्म की बात करें, ये एग ले करता है किस पे, मलबरी लीफ पे। उसके बाद ये एग जो है ये लार्वा में बनते हैं, लार्वा में बनते हैं। लार्वा के बाद क्या, ये प्यूपा बनते हैं। प्यूपा के बाद ये जब और मेच्योर होते हैं तब ये कोकून बनते हैं। जब कोकून बनते हैं तब ये अपने किनारे किनारे एक ऐसे फिलामेंट को स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं, ये एक लिक्विड सिक्रीशन रिलीज करते हैं। जब वो सूखता जाता है तो ये फिलामेंट के फॉर्म में बन जाता है। और यही कोकून को जब सबसे पहले गर्म करते हैं, इसके अंदर जो कीड़ा है अगर वो कीड़ा किल नहीं करेंगे, जैसे ये मोथ है, ये जो इसके अंदर कीड़ा है या जो मोथ है, इसको अगर हम किल नहीं करेंगे तब ये कोकून को तोड़ के बाहर आ जाएगा। जब ये कोकून को तोड़ के बाहर आ जाएगा तो पूरे धागे जो है टूट जाएंगे और ये कोकून खराब हो जाएगा, हमें एक फिलामेंट के फॉर्म में सिल्क नहीं मिलेगा। इसीलिए कोकून को सबसे पहले गर्म पानी में डालते हैं। जब इसको हम गर्म पानी में डालते हैं तो इसके ऊपर जो गम लगा हुआ है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, यहाँ से हमको फिलामेंट मिल जाता है और ये कोकून जो है अंदर ही अंदर किल हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है ये जो हमारा सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म की पूरी लाइफ साइकिल है ये। उसके बाद जब हमने कोकून यहाँ से मिल गया, देखो ये कोकून, कोकून को गर्म पानी में डाल के हम उसको बॉयल करते हैं। हम बॉयल करते हैं तो इसके अंदर जो मौत है, कीड़ा है, वो मर जाता है। जब ये मर जाता है और इसके ऊपर जो गम लगा हुआ है, ये गम जब सॉफ्ट हो जाता है, तो हम यहाँ से एक फिलामेंट को, देखो ये एक फिलामेंट का हमें कॉर्नर मिलता है, यहाँ से हम इसको अनवाइंड कर लेते हैं। अनवाइंड करके हम एक रील के ऊपर इसको वाइंड कर लेते हैं। जब हमने इसके रील के ऊपर वाइंड कर लिया तो ये एक ऐसे पहले ये फिलामेंट के फॉर्म में था, और फिलामेंट के फॉर्म में तो हम इसमें से यार्न या कुछ फाइबर बना नहीं सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगली प्रोसेस ट्विस्ट इम्पार्ट करते हैं। जब ट्विस्ट बन जाता है तब यहाँ से देखो हमने ये 2-3 फिलामेंट लेकर ट्विस्ट किया तब ये एक यार्न बन गया। अब यार्न से आगे हमने वीविंग की और फिलामेंट बना लिया। तो ये डीगमिंग की प्रोसेस, एक तो यहाँ पे सिरसिन को थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं हम, क्योंकि जिससे हमें ये फिलामेंट का एक एंड मिल जाए जहाँ से हम फिलामेंट को ले सकें। उसके बाद ट्विस्ट के बाद हम इसको हम डीगमिंग करते हैं, जहाँ पे हम 70 से 80% गम को रिमूव करते हैं। उसके बाद ये जो पूरा फाइनल वीव होके गारमेंट बन जाता है, तब हम यहाँ पे बचा हुआ जो 20 से 30% गम है उसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो ये एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सिल्क का। ये जो ये वाला प्रोसेस बताया है कि जो मौत है, मौत की लाइफ स्टाइल या फिर लाइफ स्टेजेस कितनी होती हैं, तो 4 लाइफ स्टेजेस होती हैं। लगभग 2 मंथ का ये पूरा लाइफ स्टेज होता है। तो इसका सीक्वेंस आता है नेट के क्वेश्चन, नेट का जो पेपर होता है, नेट के पेपर में इसका ये मौत का लाइफ स्टेजेस क्या, कौन कौन से लाइफ स्टेजेस हैं, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉट सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे सिल्क हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, ये मिसप्रिंट हो गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क में लस्टर कितना होता है, चमक कैसी होती है, हाई होती है। इलास्टिक रिकवरी क्या होती है, मीडियम होती है। रेजिलेंसी मीडियम होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पहले डिस्कस की हुई है, प्राइमरी प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज, तो इनको हम पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स एग्जाम में पूछते हैं, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो रेजिलेंसी इसकी मीडियम होती है। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन इसका गुड होता है। कॉटन में हमने कितना पढ़ा था, कॉटन का मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन 8.5% होता है। सिल्क का मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन 11% होता है। तो सिल्क का जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन है वो कॉटन से अच्छा होता है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी गुड होती है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, डैमेज बाय मिनरल एसिड, अगर हम देखो, एक तो सिल्क है, सिल्क बना होता है प्रोटीन से, तो नॉर्मल एसिड अगर हम इस पे एसिड के साथ हम सिल्क को ट्रीट कर रहे हैं, तो सिल्क जो कपड़ा है वो एसिड से खराब नहीं होगा अगर नॉर्मल एसिड हमने लिया है। लेकिन मिनरल एसिड से जो सिल्क का कपड़ा है वो खराब हो जाता है। अल्कली की बात करें, स्ट्रॉन्ग अल्कली डैमेज फाइबर एंड वीक अल्कली हैव लिटिल और नो इफेक्ट। और अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, क्योंकि तो सिल्क किससे बना है, प्रोटीन से बना है। प्रोटीन क्या है, नेचर में है एसिड। जब हम एसिड के जब साथ एसिड मिलेगा तो इसका नेचर चेंज नहीं होगा, तो ये सिल्क के जो फिलामेंट है या फैब्रिक है उस पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इससे हमारा सिल्क खराब नहीं होगा। लेकिन जब हम अल्कली पे एसिड पे जब अल्कली या हम बात करें बेस की, अल्कली या बेस जब इस पे हम एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तब क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब न्यूट्रल हो जाएगा तब ये सिल्क को अफेक्ट करेगा, इसीलिए दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग अल्कली जो है वो सिल्क को डैमेज कर देगा, लेकिन अगर वीक अल्कली है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट,
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिल्क को कोई ज्यादा खतरा नहीं होता, ये डैमेज नहीं करते हैं। उसके बाद इंसेक्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रॉयड बाय कारपेट बीटल, कारपेट बीटल के द्वारा सिल्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा, ये कारपेट बीटल जो है सिल्क को खराब कर देते हैं। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें, टू हीट टेम्परेचर ओवर 150 डिग्री सेंटीग्रेड रिजल्ट इन येलोइंग एंड जनरल डिस्कलरेशन। अगर सिल्क, क्योंकि सिल्क जो है वो बहुत हीट सेंसिटिव होता है, अगर इसको बहुत ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हीट पे रखा गया, बहुत ज्यादा टाइम तक उसको बाहर टेम्परेचर में रखा गया, तो इसको क्या होगा, इस पे येलो कलर आने लगेगा, इसका जनरल जो कलर है वो डिसकलर हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा, और कपड़े में येलो येलो, जैसे व्हाइट कलर का अगर सिल्क है तो उसमें देखो थोड़े थोड़े येलोइश कलर आने लगता है। तो अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हम सिल्क को रख रहे हैं तो ये टेम्परेचर सिल्क को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फ्लेम की अगर हम बात करें, अगर हम आग में रखेंगे, बर्न्स विद स्पटरिंग फ्लेम, मतलब ये जैसे हम कॉटन को जलाते हैं वो एक बार जलता है, वो पूरा जलता रहता है जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता है, और सिल्क को हम जब जलाएंगे तो ये सिल्क जलेगा, फिर रुकेगा, फिर जलेगा, फिर मतलब हल्का हल्का स्पटर करके जलेगा। तो ये इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज थी। तो क्वेश्चन आपके लिए वो ये था कि कौन से फाइबर को हम किंग ऑफ फाइबर कहते हैं, और जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म का नाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। चैनल अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लक बाय।